गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। 1857 की क्रांति के कारण, घटनाएं और असफलता के कारण हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो 1857 की क्रांति के परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट वर द रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये तो आपने देख ही लिया कि 1857 की क्रांति असफल रही। अंग्रेज़ों ने इसे बहुत ही निर्ममता के साथ दबा दिया, लेकिन इसके जो परिणाम थे वो बहुत ही स्थायी, बहुत ही दूरगामी रहे परिणाम। तो जैसे हमने इसके कारण पढ़े थे कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण, इसी प्रकार से इसके परिणाम हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिणामों के बारे में। व्हाट वर द पॉलिटिकल रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहला जो इसका परिणाम हुआ वो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन चल रहा था लगभग 100 वर्षों से, जैसे आप जानते हो कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और प्लासी की लड़ाई के 100 वर्ष बाद 1857 में क्रांति हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था अभी तक भारत में। अभी अंग्रेज़ों का सीधे तौर पर शासन स्थापित नहीं था, एक कंपनी राज कर रही थी भारत पर, तभी इसको बोलते थे कंपनी राज, ठीक है। तो 100 वर्षों से चला आ रहा कंपनी का जो शासन था उसका अंत हो गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये कि कंपनी का जो शासन था वो बहुत दोषपूर्ण था और ब्रिटिश सरकार भी कोई ना कोई ठोस आधार खोज रही थी कि वो इस शासन का अंत कर पाए या इस शासन को बर्खास्त कर सके। वो उनको मिल गया 1857 की क्रांति, कि ये कंपनी का मिसरूल था, कंपनी की मिसगवर्नेंस थी जिसके कारण ये क्रांति संभव हुई। तो उनको बहाना मिल गया कंपनी के शासन का अंत करने का, क्योंकि उन्होंने कंपनी को कुशासन के लिए दोषी ठहराया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत कर दिया। दूसरा इसमें पॉइंट बनेगा कि भारत का शासन इंग्लैंड की सरकार के अधीन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का तो अंत कर दिया, अब किसका शासन फिर स्थापित हुआ? फिर स्थापित हुआ अंग्रेज़ों का सीधा शासन, यानी इंग्लैंड की सरकार ने 1858 में एक एक्ट पास किया जिसको कहा जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या इसे क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट भी कहा जाता था। इस एक्ट के तहत उसने भारत का जो शासन था वो अपने हाथों में ले लिया और भारत का शासन चलाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक भारत सचिव की नियुक्ति की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मेंबर होता था, सदस्य होता था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की एक काउंसिल की भी व्यवस्था की गई, जिसमें से 8 सदस्यों की नियुक्ति तो ब्रिटिश सम्राट जो था वो खुद करता था और बाकी जो 7 सदस्य थे इनकी नियुक्ति कंपनी के संचालकों द्वारा की जाती थी। भारत सचिव का कार्यालय लंदन बनाया गया, यानी जो इनका ऑफिस था वो लंदन बनाया गया, लेकिन उस पर जितना भी खर्च होता था वो सब भारत की अंग्रेजी सरकार को व्यय करना पड़ता था। जो इंडिया ऑफिस था ना लंदन में, भारत सचिव का जो ऑफिस था, उसका सारा खर्चा जो अंग्रेजी सरकार भारत में थी उसको करना पड़ता था। और उपाधि में भी परिवर्तन किया गया। देखो, अब तक हम भारत के जो भारत में शासन करने वाले अंग्रेज़ों के जो प्रतिनिधि है उसे हम गवर्नर या गवर्नर जनरल बोलते थे। इस क्रांति के पश्चात 1858 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग, आप जानते हो कि ही वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया और ही वॉज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पहला जो टर्म चेंज किया, मतलब गवर्नर जनरल के स्थान पर उसका नाम वायसराय रख दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक तो कंपनी के शासन का अंत और भारत का
जो शासन था वो इंग्लैंड की सरकार के सीधे अधीन हो गया। इस क्रांति का एक राजनीतिक परिणाम ये भी रहा कि मुगल वंश का अंत हो गया। देखिए, मुगलों ने भारत पर बहुत लंबे समय तक शासन किया, 1526 से लेकर और 1707 तक तो शक्तिशाली शासक रहे। आप जानते हो कि औरंगज़ेब का, बेशक 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद भी ये मुगल वंश चलता रहा था, लेकिन इसका पतन शुरू हो गया था। लेकिन कुछ कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम महान मुग़ल सम्राट था, अंतिम मुग़ल बादशाह था, ये वॉज द लास्ट मुग़ल। एक किताब भी लिखी गई है द लास्ट मुग़ल के नाम से, विलियम डेलरिम्पल की ये किताब है। तो आप ये देखिए कि इतने लंबे अरसे से चला आ रहा मुग़लों का शासन, 1857 की क्रांति के फलस्वरूप समाप्त हो गया। 1862 में उस अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और मुग़ल वंश का अंत हुआ। साथ ही साथ पेशवा का पद भी समाप्त हुआ। मैंने आपको बताया था कि जो नाना साहिब थे वो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। तो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप पेशवा पद भी समाप्त हो गया। और क्योंकि आप जानते हो कि नाना साहिब पराजित हो गया था, वो भागकर नेपाल की ओर चला गया था, वहाँ से वो कभी वापस नहीं आया, तो पेशवा पद स्वतः ही समाप्त हो गया। अब 1857 की क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली देशी राज्यों के प्रति नीति में भी परिवर्तन आया। पहले क्या था कि देशी राज्यों को हड़पने का प्रयास करते थे, कभी कुशासन का आरोप लगाया, कभी लैप्स की नीति के तहत उसको हड़पने का प्रयास किया। तो अब अंग्रेज़ों ने इस पर जो है मंथन किया और ये पाया कि देशी राज्यों को रुष्ट नहीं करना। तो अब जैसे मान लो किसी देशी शासक के पास संतान नहीं है और वो संतान गोद लेना चाहता है, अपना वारिस बनाना चाहता है उत्तराधिकार के लिए, तो उसको अनुमति दे दी गई। अब लैप्स की नीति छोड़ दी गई, त्याग दी गई, ठीक है। और उन्हें, अंग्रेज़ों को ये भी लगा कि बहुत से ऐसे भारतीय देशी शासक थे जिन्होंने तन मन धन से अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था उस विद्रोह को कुचलने के लिए, ठीक है। अगर ये शासक सपोर्ट नहीं करते अंग्रेज़ों को तो अंग्रेज़ों को भारत से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ता, जैसे सिंधियों की हम बात कर रहे हैं। तो अब देशी शासक को पुत्र गोद लेने का अधिकार दे दिया गया और आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना, हालांकि आप ये देखो कि अंग्रेज़ों ने आंतरिक मामलों में तो हस्तक्षेप जारी रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिल्कुल ये अपने खुले मन से जो जी चाहे करते रहें। लेकिन जो मोटा मोटा से जो जो एक नज़रिया बन गया था अंग्रेज़ों का भारतीयों के प्रति, शासकों के प्रति, उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे और उनको उत्तराधिकार का जो है नहीं दिया करते थे, वो सब उन्होंने बंद कर दिया। और देशी शासकों को खुश करने के लिए उनको बड़ी बड़ी उपाधियां, उनको पुरस्कार भी देने शुरू कर दिए। 1857 की क्रांति का एक राजनीतिक परिणाम ये भी हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। हालांकि ये विद्रोह असफल हुआ, लेकिन राष्ट्रीयता का, इस विद्रोह ने एक ऐसा बीज बोया जो कि 1947 में वो स्वतंत्रता रूपी पेड़ के रूप में पनपा। यानी जो बीज बोया था ना 1857 में, वो 1947 में जाकर, यानी लगभग 90 साल बाद जाकर, वो उस राष्ट्रीयता का जो बीज था वो पेड़ के रूप में विकसित हो गया। और राष्ट्रवादियों ने 1857 की क्रांति से जो है प्रेरणा ली। फिर एक और जो उपलब्धि हुई 1857 की क्रांति से, कि पहले क्या था कि भारतीयों को शासन में भागीदारी नहीं दी जाती थी, इंडियंस वर केप्ट अलूफ फ्रॉम द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो है भारतीयों के लिए बहुत ही अपमान की बात थी। तो अब अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीयों का योगदान लेना आवश्यक है। तो 1858 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, 1861 में भी पास किया गया था, और इसके अनुसार
भारतीय कानून निर्माण परिषद में भारतीयों को भी स्थान दिया गया। तो इसके ये राजनीतिक परिणाम हुए। अब सैनिक परिणाम क्या हुए? अब पहले क्या था कि ताज यानी ब्रिटिश ताज का की जो सेना थी वो अलग थी और कंपनी की सेना अलग थी। ब्रिटिश सेना अलग थी, ताज की सेना यानी कि ब्रिटिश सम्राट की सेना, और कंपनी की सेना अलग थी। पहले वो अलग अलग हुआ करती थी, तो अब उसका एकीकरण कर दिया गया, ताज और कंपनी की सेना एक कर दी गई। ठीक है, दूसरी बात यह कि सेना में यूरोपियन लोगों की संख्या में वृद्धि की गई। देखो 1857 की क्रांति के समय अब लगभग 6 या 5 गुना जो है डिफरेंस था, यानी टोटल सेना मान लो 100 लोगों की है, फर्ज कीजिए टोटल सेना 100 लोगों की है, तो 5:1 यानी 5 सैनिक भारत के थे और 1 सैनिक जो है अंग्रेज़ों का था। तो ये अनुपात था, तो ये जो है अनुपात कम किया गया क्योंकि अंग्रेज़ों को लगा कि सैनिक भारतीय ज़्यादा हैं, उनके पास असला होता है और कभी भी जो है विद्रोह या आक्रमण कर सकते थे। और वैसे भी भारतीय सैनिकों को इसलिए रखा जाता था कि ज़्यादा सैनिक इसलिए रखे जाते थे कि यूरोप से बुलाकर अगर किसी को नौकरी पर रखेंगे तो उसको भत्ता ज़्यादा देना पड़ेगा, दोहरा भत्ता देना पड़ेगा। तो इसलिए सस्ते सैनिकों के कारण जो है भारतीय अधिक संख्या में भर्ती कर दिए जाते थे। लेकिन भारतीय सैनिकों की संख्या अब घटाई गई क्योंकि ये विद्रोह जो है सैनिकों से ही शुरू हुआ था, और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। जैसे पहले यूरोपीय सैनिकों की संख्या टोटल सेना में 72,000 थी, अब वो बढ़ाकर 1,35,000 कर दी गई। फिर जो महत्वपूर्ण आप ये कह लो कि डिपार्टमेंट्स हैं आर्मी में, वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो पहले भारतीयों के हाथ में भी थे। जैसे तोपखाना, अब क्रांतिकारियों के हाथ में तोपखाना लग गया तो उन्होंने प्रयोग किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो अब युद्ध सामग्री जो होती थी उस पर जो नियंत्रण है वो अंग्रेजी नियंत्रण अधिक बढ़ाया गया ताकि भारतीय सैनिक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। और आप ये देखिए कि भारतीय सैनिकों को अलग अलग रेजिमेंट्स में पहले बांटा जाता था। सिख रेजिमेंट अलग बना दी, गोरखा रेजिमेंट अलग बना दी, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, तो ये जो है ना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत चल पड़े अंग्रेज। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो ये जो है भारतीय सेना का पुनर्गठन किया, कुछ जातियों को तो लड़ाकू घोषित कर दिया, ऐसी जातियाँ जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था विद्रोह को दबाने में, जैसे कि गोरखे, ठीक है, सिख रेजिमेंट के जो लोग थे, और जो पठान थे जिन्होंने क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया था उनको तो लड़ाकू जाति घोषित कर दिया, मार्शल रेसेस, और जो जिन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था जैसे जो अवध बिहार और मध्य भारत के जो सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था उनको गैर लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद आते हैं सामाजिक और धार्मिक परिणाम। तो देखिए, अब पहले क्या था कि नौकरियों में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। अब महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा की, ठीक है, इस घोषणा में ये वचन दिया गया कि भारतीयों को उनकी योग्यता के आधार पर बिना किसी रंग, जाति और लिंग के भेदभाव के उनको नौकरियां दी जाएंगी, तो उनको उच्च पदों पर भी नियुक्त किया जाएगा, ऐसा भी आश्वासन दिया। लेकिन इस बात को वास्तविक रूप देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। घोषणा तो कर दी गई पर वो घोषणा तक ही सीमित रह गई। जैसे आप जानते हो कि सरकारें घोषणा करती हैं लेकिन सारी घोषणाएं जो है वो सच नहीं हो पाती, तो ऐसी ये घोषणा की गई कि भारतीयों को सरकारी नौकरियों में उच्च पद देने में और सरकारी नौकरियों में भर्तियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब एक जो और परिणाम हुआ कि भारतीय और यूरोपियनों के संबंधों में जो है
तनाव उत्पन्न हो गया, घृणा पैदा हो गई भारतीयों को यूरोपियों के प्रति। जिस तरह से क्रांति को कुचलने में अमानवीय अत्याचार किए गए, जिस तरह से लाशों को पेड़ों पर लटकाया गया, जिस तरह से लोगों को तोप के आगे गोलों से उड़ा दिया गया, तो ये घृणा की जो भावना थी ये दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। वैसे भी अंग्रेज़ अपने आप को भारतीयों से मुख्तलिफ समझते थे, वो समझते थे कि ये कि हम जो है अलग एक श्रेष्ठ नस्ल के लोग हैं और भारतीय जो है वो नीची नस्ल के लोग हैं। तो अब जो है भारतीय अंग्रेज़ों को घृणा की दृष्टि से देखने लग गए और एक सामाजिक परिणाम ये निकला कि फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटना शुरू किया। और महारानी विक्टोरिया की घोषणा में ये भी जो एक घोषणा की गई थी कि धार्मिक विश्वासों और परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी अंग्रेजी सरकार और सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता होगी, ऐसा जो है वायदा किया गया। इसके कुछ आर्थिक परिणाम भी निकले कि भारत जो है आर्थिक संकट से ग्रस्त हो गया। देखिए क्रांति, आप जानते हो कि अंग्रेज भारत में थे और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के पैसे से ही जो है पनप रही थी। तो आप ये देखिए कि क्रांति को दबाने में पता नहीं कितने लाखों रुपए जो है इसमें लग गए, क्योंकि भारतीय सेना का जो खर्चा था वो भारतीय पैसे से ही तो चलता था, तो निश्चित रूप से इससे काफ़ी आर्थिक हानि हुई भारत को, खासकर आप ये कह लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी हम कहेंगे तो वो भारत की ही कहेंगे, क्योंकि भारत के खर्चे से ही वो चल रही थी। तो बहुत से कदम उठाए गए, कुछ अनुमति पत्र विधि जारी कर दी गई, कुछ फीस लगाई गई जो है अलग अलग चीज़ों पर, जैसे ज़मींदारी पर जो ज़मींदार होते थे उन पर अतिरिक्त कर लगाया गया, चाय और पटसन पर जो निर्यात होता था वो कर समाप्त कर दिया गया और देश में होने वाले आयात को भी कम कर दिया गया। तो प्रत्येक विभाग में जो है कटौती की गई और इस तरह के जो वित्तीय उपाय थे ये आर्थिक संकट को दूर करने में सहायक सिद्ध हुए। लगभग 98 लाख पौंड का ऋण चढ़ गया था सरकार के आंकड़ों के अनुसार। तो सच तो ये है कि 1857 की क्रांति के जो परिणाम थे वो सुखद नहीं थे, तत्कालिक परिणाम। लेकिन अगर हम परिणामों का सूक्ष्म अध्ययन करें तो 1857 का विद्रोह ये भारतीयों के लिए एक गुप्त वरदान साबित हुआ, एक नए युग का आरंभ हुआ और उसकी आधारशिला थी कानून। ब्रिटिश सरकार को अब अपने जो सरकारी पद थे वो सभी लोगों के लिए खोलने पड़े। भारतीय भी राजनीति में भाग लेने लगे। हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से विभिन्न एक्ट्स के माध्यम से भारतीयों को अधिक से अधिक भागीदारी दी गई प्रशासन में। और पूरे 90 साल बाद फिर 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये इसके परिणाम। अब एक टॉपिक रह गया हमारे सिलेबस का, वो है 1857 की क्रांति का स्वरूप, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।